इतने ट्रैक्टर लाइना में लग रहे हैं, पूरा रोड जाम हो रहा है भिवानी का, एक तरफ का पूरा रोड जाम हो रहा है। देखो भाई पूरा रोड जाम कर रखे है पूरा का पूरा। इसमें किसाना की गलती बताओ या सिर्फ संभलने वाला की गलती, ये कुछ तो उल्टे भी लेके जाना रहे भाई, क्योंकि नवेरा मंडी तक जान में केरा दो दिन लाग जाए तीन दिन लाग जाए, रोड इस जाम में तो लिगड़ो भाई के कोने लिगड़ो, इसका कोई बेरा को नहीं रोड जाम आगे किसान पूरे रोड के पूरे हालात पूरा हाल है किसाना का। और कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन, 5-6 किलोमीटर हो गया, क्योंकि भिवानी खत्म हो गया लेकिन इन ट्रैक्टर की लाइन खत्म को नहीं हुई, चारों तरफ पुलिस प्रशासन भी आने लग रहा है। ये बाप ने किसानों ने रोड पर दिखावांगे इतने ट्रैक्टर ट्रैली लेके, आखिर ये किसान आए कितने हैं, आखिर ये लाइन में क्यों लाग रहे हैं, कोई सिरसम ले रहा है, कोई गेहूँ ले रहा है, कोई और कुछ भी ले रहा होगा, सारे ने मंडी में जाना है, लेकिन यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों लाग रही है, किसकी गलती है, पहले एक वीडियो देखो। लो किसाना के हालात, रोड जाम हो रहा है किसाना का, देख लो भाई मंडिया में सिरसम लेने खतर रहे हैं, कितना बुरा हाल हो रहा है, देख लो ये किसाना का हाल है भाई, इतने ट्रैक्टर लाइना में लाग रहे हैं, पूरा रोड जाम हो रहा है भिवानी का, एक तरफ का पूरा रोड जाम हो रहा है। देखो भाई पूरा रोड जाम कर रखे है पूरा का पूरा। इसमें किसाना की गलती बताओ या सिर संभलने वाला की गलती, ये मंडी के हालात है भाई, और यहाँ से मंडी कम से कम 2 किलोमीटर दूर है भाई, पूरा रोड जाम कर दिया, देखो बुरा हाल है, पुलिस भी मौके पर आ रही है, एक एक चीज़ देखने आ रही है, किसाना के हालात देखो भाई, लाइन आप रोड के ऊपर ले दिए, ये हालात है भाई रोड जाम के, देखो पूरा का पूरा रोड जाम पड़े हैं, हालात देख लो किसाना के सारे टोटली सारी किसान लाइन पर लग रहे हैं, ये देख लो भाई किसान के हालात, पूरा का पूरा रोड जाम, आगे पीछे जारी भी देखोगे रोड है रोड नजर आने लग रहे हैं, ये हालात है भाई इस सरकार के, आखिर मंडिया में गेहूँ क्यों को लेना, सिर सब क्यों को लेने ला रहे, या लेवा है तो फिर ये इतनी लाइन क्यों है, अरे एक सवाल उठा, देखो भाई कितने किलोमीटर की लाइन लग रही होगी, आपने कितनी देर की वीडियो देखी, ये कुछ तो उल्टे भी लेके जाना रहे भाई, क्योंकि नवेरा मंडी तक जान में केरा दो दिन लाग जाए तीन दिन लाग जाए, रोड इस जाम में तो लिगड़ो भाई के को नहीं लिगड़ो, इसका कोई बेरा को नहीं, यहाँ लाता भिवानी के भाई, भिवानी मंडी के जो लोहारू रोड की तरफ था, लोहारू की तरफ था जो मंडी में रोड पड़ा है, यहाँ लाते हैं भाई पूरा का पूरा जाम, आगे पीछे कहीं भी देख लो भाई पूरे के पूरे रोड जाम, बुरा हाल है रोड जाम आगे किसान, यहाँ लाता भिवानी के भाई, देखो भाई पूरा रोड जाम कर दिया, पूरा का पूरा रोड जाम, आखिर ये इतने ट्रैक्टर आए कितने, या गेहूँ बंद कर रखी है या फिर के कारण, पूरे रोड के पूरे हालात बुरा हाल है किसाना का। और कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन, 5-6 किलोमीटर हो गया, क्योंकि भिवानी खत्म हो गया लेकिन इन ट्रैक्टरों की लाइन खत्म को नहीं हुई, चारों तरफ पुलिस प्रशासन भी आने लग रहा है इन ट्रैक्टरों ने रोकने खातर, ताकि भीड़ ना मैं लाइन ना मचे, देखो 112 नंबर गाड़ी भी खड़ी है, आखिर हालात के हैं, सारे के सारे पूरी का पूरे रोड जाम पड़े हैं, ये देखो भाई ये और तो भिवानी रोड भी खत्म हो गया भाई, भिवानी रोड खत्म हो गया, जाम नहीं खत्म होया, जितने भी साधन आए हैं वापिस मुड़ मुड़ के जाने लग रहे हैं, पूरा रोड जाम है और कई किलोमीटर की लाइन लग रही है, ये देखो भाई पीछे दिखा दूं, रोड जाम हो रहा है, देखो भाई साधन भी वापस मुड़ मुड़ के जाने लग गए, क्योंकि भिवानी में बढ़ने खातर मेरे ख्याल में 4-5 घंटे लग जाएंगे, इतना रोड जाम है, एक तरफ के तो पूरा का पूरा रोड जो है वो बंद है, ये देखो भाई इतने बुरे हालात तो नहीं देखे होंगे आपने, देखो भाई भिवानी शहर भी पार कर दिया अपन ने, आखिर इतने ट्रैक्टर किसान ये आए कितने, पूरा का पूरा काफिला भाई आपने दिखाया, आपने वीडियो देखी होगी कितने ट्रैक्टर लाइन में लग रहे हैं, आखिर इतने ट्रैक्टर एकदम तक घर तक किस तरह निकले हैं,
आखिर एक दंत आण का कारण के है? क्या गेहूं सिर्फ समझो भी किसान का भी फसल है, या एक के दिन क्यों ले जाओ है, या एक के दिन क्यों बुलाए हैं? आखिर किसकी गलती है कि एक के दिन ये किसान एक दंत घर तक बार क्यों लिकड़े? कम से कम 5 किलोमीटर की रोड के ऊपर आपने लाइन देखी होगी, ट्रैक्टर छोड़ छोड़ के लोग एक तरफ बैठ गए, दूसरी तरफ के जो साधन ना हो दूसरे रोड पर जाने लगे, पूरा का पूरा भिवानी रोड जाम हो गया। आखिर यह गलती किसकी है? आखिर किसान ने रोड पर क्यों आए हैं? आखिर किसान ने इतना के जुलम कर रखे हैं? आखिर गलती सरकार की है या किसान की है, वो तो आप देखोगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे के मजबूरी होगी, आगे के कारण हो गया किसान आज रोड पर है। कोई दिल्ली बैठा है, कोई किधर धरना पर बैठा है, और आज जो फसल बिक गई उसने अनाज मंडी में गेड़न खतर किसान जाओ तो आज भी रोड पर लाइन ना लग रहे हैं। आखिर कसूर किसका है? कमेंट करके जरूर बताइए।